तो मैं एक बात कहूंगी कि बानर सेना ने भी मिलकर राम सेतु बनाया था, तभी रामचंद्र जी जो थे वो श्रीलंका पहुंचे थे, उनको ध्वस्त किया था। इस बार मैं भूपेंद्र जी को कह रही हूँ, मैंने कहा आप टिकट लेकर आओ और आपका प्रचार मैं करूंगी आपके साथ मिलके। 101% जो है वो दुष्यंत उचाणा से इलेक्शन लड़ेगा, उचाणा दुष्यंत की सीट है, और उस आदमी के मुख से ऐसे राक्षसों वाले बयान जो है वो शोभा नहीं देते। आज बरोदा विधानसभा क्षेत्र में हरी चुनरी चौपाल का कार्यक्रम किया गया और खुद विधायक नैना चौटाला जी यहाँ पे मौजूद है। मैडम, कैसा रहा आपका हरी चुनरी चौपाल का कार्यक्रम? आज बैंसवाल गांव में हरी चुनरी चौपाल थी, साथ में तीज उत्सव भी हमने मनाया है। तो मैं तो कहती हूँ बम्पर तोड़ जो महिलाएं आई हैं, बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत ही अच्छी हरी चुनरी चौपाल, ये दूसरी हरी चुनरी चौपाल है, बहुत ज्यादा अच्छी हुई हमारी। ये आपका कार्यक्रम काफी कह सकते हैं कि एक बदलाव अलग ही आता है, क्योंकि जब अजय चौटाला जी जेल में थे तो तब आपने ही कमान संभाली थी, और जब कहते थे कि बच्चा पार्टी है तब ये हरी चुनरी चौपाल के कार्यक्रम हरियाणा के इतिहास में पहली बार महिलाओं की कोई इस तरह का कार्यक्रम हो रहा था। देखो, जननायक जनता पार्टी जब अलग से बनी है दिसंबर में, तब लोगों ने पता नहीं क्या क्या दिग्विजय दुष्यंत के लिए कहा है, कभी कहा है लड़कों का टोल है, कभी बच्चे का है इनका कुछ नहीं बटना, कभी का है बानर सेना है, कभी कुछ। तो मैं एक बात कहूंगी कि बानर सेना ने भी मिलके राम सेतु बनाया था, तभी रामचंद्र जी जो थे वो श्रीलंका पहुंचे थे, उनको ध्वस्त किया था। तो वैसे जननायक जनता पार्टी की जो बानर सेना है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान बच्चे हैं, माताएं बहनें, सब ने मिलके जननायक जनता पार्टी के लिए काम किया है, और पार्टी जो है वो 10 सीटें लेकर सत्ता में शामिल हुई है, वही हमारा संगठन है, तो दोबारा उससे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष संगठन हो। तो जननायक जनता पार्टी आगे 2024 के इलेक्शन में बहुत अच्छा बहुमत लेकर आएगी। दुष्यंत चौटाला जी एक बात कह रहे थे कि खरखोदा और बरोदा ये 2 सीट तो ऐसी हैं, अगर गठबंधन हो भी गया तो मैं पूरा प्रयास करेंगे कि ये 2 सीट हम जरूर लें। देखो, खरखोदा और बड़ौदा जो है वो हमारी बहुत अच्छी सीट है, कुछ कारणों से पीछे जो है भूपेंद्र जी इलेक्शन जो है वो बहुत कम मार्जिन से लूज की है। इस बार मैं भूपेंद्र जी को कह रही हूँ, मैंने कहा आप टिकट लेकर आओ और आपका प्रचार मैं करूँगी आपके साथ मिलके। तो अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं इनका पूरा टाइम इनको जो दूंगी, इनको जिताकर विधानसभा ले जाने का काम करेंगे। क्या बात, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैम, बात करते हैं उचाणा की, उचाणा के अंदर क्या है आजकल हॉट सीट बना दिया उचाणा को, भी कभी वीरेंद्र जी वहाँ पे प्रचार प्रसार करते हैं, कभी रणदीप वहाँ पे पहुँचते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पे पहुँचते हैं, क्या लगता है आपको दुष्यंत, क्या पहले तो ये बताइए चुनाव वहीं से लड़ेंगे? 101% जो है वो दुष्यंत उचाणा से इलेक्शन लड़ेगा, उचाणा दुष्यंत की सीट है, और देखो जहाँ कुछ दमखम दिखता है उसी को हॉट सीट बनती है ना, वो तो ऐसे साधारण तो 90 में से 89 सीट्स और भी हैं, पर इसलिए क्योंकि दुष्यंत का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है, एक बहुत छोटी उम्र का नेता है, तो सबको दुष्यंत से मुझे लग रहा है एक भय जो है वो हो रहा है, तो बांध तभी लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ से बहुत तेज फ्लो आता हो पानी का। तो चाहे कोई कितना कुछ भी कर ले, दुष्यंत उचाणा से इलेक्शन लड़ेगा, उचाणा की जनता जो है वो दुष्यंत को दोबारा विधानसभा भेजने का काम करेगी। दीप सुरजेवाला का एक बयान सामने आया था कि जिसने भी बीजेपी जेजेपी को वोट दिया है वो राक्षस है। देखो, एक सभ्य आदमी के लिए मैं कहूंगी कि वो कोई छोटे लीडर तो नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आज के दिन राज्यसभा से, और उस आदमी के मुख से ऐसे राक्षसों वाले बयान जो है वो शोभा नहीं देते। तो हर पॉलिटिशियंस को अपनी भाषा जो है वो मर्यादा में रह के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है जब हम बोलते हैं तो बहुत दूर दूर तक जाती है, हर आदमी उसको सुनने की कोशिश करता है कि उसने क्या बोला, पर उन्होंने जो बोला है वो बहुत गलत बोला है। 2024 के इलेक्शन में मैं कहूँगी वो जहाँ से भी इलेक्शन लड़े, जब वोट डालने की बारी आई ना तो हर आदमी को सोच लेना चाहिए भाई मैं राक्षस हूँ, मैंने उसको वोट नहीं देना, तभी उनको पता चलेगा भी आम पब्लिक के लिए आप कैसी भाषा यूज कर रहे हो। तो उस दिन राक्षस का रूप धारण करके उसके जरूर हराने का काम करना चाहिए उसको। मिशन 2024 में दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने की बात आप लोग कह रहे हो, किस तरह से पॉसिबल होंगी चीजें? देखो, अभी तो हम लोग गठबंधन में है, पर जब पार्टी बनती है तो हर पार्टी का एक नेता होता है, उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो हमारा जो मकसद है वो दुष्यंत को आगे मुख्यमंत्री बनाने का, और जब तक एक सपना नहीं संजोएंगे मुझे लगता है कोई भी कामयाबी हमें नहीं मिल सकती। तो हमारा सपना है आज नहीं तो कल ये पूरा जरूर होके रहेगा। थैंक यू।